हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आइनॉक्स एनर्जी के बारे में, जो कि काफी ज्यादा डिमांडिंग स्टॉक है। काफी लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट है। कुछ टाइम पहले इसमें काफी लोगों का इन्वेस्टमेंट फंस गया था, बट अब मार्केट में, जो कि नवंबर पर इसने लिस्टिंग दी थी 60 रुपीज के आसपास की, फिर उसके नीचे ये चला गया था 38 रुपीज के आसपास, और फिर वापस से रिकवरी करता हुआ अब अपने हाई को भी ब्रेक करता हुआ 74 का हाई पर आ चुका है। तो यहां पर मोमेंट काफी अच्छा आ चुका है और आगे वाले दिन में और भी ज्यादा मोमेंट देखने को मिल रहा है इसका टेक्निकल चार्ट्स पर। बट कंपनी के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर काफी ज्यादा स्टेबल बिजनेस चलता है, जिसकी वजह से आप एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट छोटा सा कर सकते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से लोगों में शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और सभी को मार्केट में प्रॉफिट हो सके। तो चलिए गाइस, कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में जान लेते हैं। तो 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, जो कि आइनॉक्स विंड की एक सब्सिडरी कंपनी है। इस कंपनी का जो काम है वो विंड फार्म में अपनी ऑपरेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जिसमें ये इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी की सबसे पॉजिटिव बात ये है कि जिस भी विंड फार्म के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि 5 से 20 साल का एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जिसमें इसका बिजनेस जो है थोड़ा स्टेबल हो जाता है। इनकी जो सर्विसेज होती है 24/7 की सर्विस देते हैं ये अपनी, और किसी भी वेदर में ये पूरा का पूरा सपोर्ट रखते हैं अपनी कंपनीज को खुश रखने के लिए। जिसमें अभी पावर की बात की जाए तो 3150 मेगावाट की बिजली ये संभालते हैं, और इनकी जो विंड टर्बाइन जनरेटर हैं, जितने भी ये ऑपरेट किया करते हैं, मेंटेनेंस देखा करते हैं, 1396 यानी 1396 विंड टर्बाइन जनरेटर यहां पर ये संभालते हैं। और यहां पर जो है इनका प्लान्स है कि 23, 24, 25, 26 तक ये अपनी जो पावर सप्लाई है जिसको ये संभालते हैं, उसकी कैपेसिटी ये 1000 मेगावाट की हर साल बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें कि आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी कंपनी के रेवेन्यू और इसके प्रॉफिट्स में भी। कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट से 78% का यहां पर रेवेन्यू जनरेट होता है, और जो उसमें गुड्स यूज होते हैं उसके मेंटेनेंस में उसकी भी ये ट्रेडिंग किया करते हैं, जिसमें 21% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और खुद की बिजली भी ये जनरेट किया करते हैं जहां से 1% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कितने विंड फार्म्स इनके अंडर में आते हैं ये भी जान लेते हैं। तो 8 विंड फार्म्स इनके अंडर में आते हैं अलग अलग स्टेट्स में, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और राजस्थान, सभी जगह ये अपनी प्रेजेंस रखते हैं जहां पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनके प्लान्स हैं एक्विजिशन करने के, जो भी विंड टर्बाइन में यूज किए जाते हैं पार्ट्स वो ये कंपनी को सप्लाई खुद से करना चाहेंगे, तो जहां पर आपको और तेजी कंपनी में आती हुई देखने को मिल सकती है। इनके कस्टमर्स के नाम आप जानना चाहते हैं तो बता दें हम कि गुजरात फ्लोरोकार्बन, कॉन्टिनम पावर ट्रेडिंग, गुजरात इंडस्ट्री पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टॉरेंट पावर, श्री सीमेंट जैसी और भी कंपनीज हैं जहां पर ये अपने पावर भी सप्लाई किया करते हैं, उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड किया करते हैं। इनके जो कस्टमर है जहां ये पावर सप्लाई किया करते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर भी हैं, वहां पर भी ये सप्लाई किया करते हैं, पीएसयूज को भी सप्लाई किया करते हैं, और कॉर्पोरेट में भी ये 14% की सप्लाई किया करते हैं। कंपनी के डेट की बात की जाए तो 500 करोड़ से भी ज्यादा का कंपनी के ऊपर अभी डेट चल रहा है, जिस वजह से काफी ज्यादा प्रेशर में है कंपनी। बट कंपनी का ये जो प्लान है इसको डेट फ्री करना चाहते हैं, ये 50 मेगावाट की जो बिजली खुद से जनरेट करने का इनका प्लांट है उसको ये बेचकर 200 करोड़ की जो इक्विटी इनकी फंसी हुई है इस बिजनेस में ये रिलीज कर लेंगे, यानी कि अनलॉक कर ली जाएगी, और 200 करोड़ से ये अपना डेट चुकाएंगे और 100 करोड़ अपनी जेब से और डालेंगे, जहां से ये 300 करोड़ का डेट अपना कम कर लेंगे, और बचा हुआ डेट भी आने वाले टाइम में ये कम कर अपनी कंपनी को फुली डेट फ्री बनाना चाहते हैं। कंपनी के फोकस की बात की जाए तो ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें और ज्यादा डेवलपमेंट ये लेकर आना चाहते हैं। अब कंपनी के फाइनेंस की बात करते हैं तो अभी मार्केट में जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 71.80 रुपीज पर इसने मार्केट में क्लोजिंग दी है, और 2107 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है करेंटली, और यहां पर जो डेट है वो 595 यानी 595 करोड़ का इस पर अभी डेट चल रहा है। बुक वैल्यू से ये डबल ट्रेड कर रहा है और यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है, क्योंकि कंपनी छोटी है, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलना पाने की वजह से यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। फेस वैल्यू 10 रुपीज की है, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, या देगी भी कभी तो छोटा मोटा डिविडेंड यहां पर अनाउंस कर सकती है, बट हम यहां पर डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, एक अच्छे खासे रिटर्न के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
ईयरली प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए तो मार्च 2021 में इन्होंने काफी बड़ा यहां पर सेल्स तो काफी रही थी, 172 करोड़ की इनकी ईयरली सेल्स रही थी, बट लॉस की बात की जाए तो -154 का इनका लॉस रहा था। फिर मार्च 2022 में इन्होंने अपनी सेल्स बरकरार रखी, 172 करोड़ की फिर से सेल्स रही, बट यहां पर लॉस थोड़ा कम हो गया, -94 करोड़ का रहा। और फिर मार्च 2023 की बात की जाए तो यहां पर जो इनकी सेल्स है बहुत तेजी से बढ़ी है और 254 करोड़ की सेल्स रही है, जिसमें कि इनका लॉस जो है -20 करोड़ का रहा है। और अभी जो जून का रिजल्ट आया था वहां पर इनकी टोटल सेल्स जो रही थी ईयरली वो 256 करोड़ की ही रही थी, और यहां पर जो इनका लॉस है -6 करोड़ का रहा है, यानी लॉस कंटिन्यू इनका घटता जा रहा है और सेल्स कंटिन्यूअसली यहां पर बढ़ रही है, यानी आने वाले दिनों में कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में भी ले आएगी। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात की जाए तो FIDI यहां पर खुलकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात की जाए तो 56.04% की होल्डिंग रखते हैं प्रोमोटर्स। FIIs यहां पर 8.42% की होल्डिंग रखते हैं और DIIs यहां पर 4.09% की होल्डिंग रखते हैं और बाकी पब्लिक के पास होल्ड है। कंपनी में काफी ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और यहां पर FIIs DIIs की जो इंटरेस्ट है इससे पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो स्टॉक काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, बट परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन की बात की जाए तो छोटा मोटा यहां पर कंपनी होने की वजह से यहां पर वैल्यूएशन पूरी तरह से निकाला नहीं जा सकता है, जिस वजह से पूरी तरह से कंफर्मेशन तो नहीं मिल रही है, बट आगे चलकर अगर बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इनके पास और भी विंड टर्बाइन फार्म्स और भी इनके अंडर में आते हैं, तो यहां पर आपको बहुत तेज ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो मुझे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, बट अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूं तो यहां पर कोई छोटा मोटा ही इन्वेस्ट करूंगा। अगर कंपनी में और तेजी से ग्रोथ देखने को मिलती है आगे चलकर तो और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पर इंक्रीज कर सकते हैं। कंपनी तो काफी अच्छी देखने को मिल रही है, जितना मुझे बताना था मैं आपको बता चुका हूं। अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये आपकी मर्जी है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।